हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी अभ्यास में स्वरों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले हमने अ आ ई ई और उ यानी छोटे उ के बारे में पढ़ा है। छोटे उ की मात्रा जिसे हम कहते हैं ह्रस्व उ की मात्रा, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या दिया गया है, पढ़ो और अभ्यास करो, पढ़ो और अभ्यास करो। इसमें मैं आपको कुछ पंक्तियाँ बोलकर दिखाने वाली हूँ। देखिए, पढ़ो और अभ्यास करो। सूरज बाजार जा, मूली तरबूज खरबूजा आलू ला, झूला झूल नाखून मत चबा, दूध पीकर खजूर खा। अगर इन पंक्तियों का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यह किस हेतु हमें दिया गया है। बराबर है आपका हेतु। यह इस हेतु दिया गया है कि छोटे ओ के बाद हमारी बड़े ओ की संकल्पना स्पष्ट हो जाए, गहरी हो जाए। इस हेतु हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं स्वर ऊ, ऊ की मात्रा। हमारे उच्चारण में ही देखिए हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं। ऊ की मात्रा, ऊ दीर्घ, इसके उच्चारण में ही, इसके कहने में ही, इसके लेखन में ही आपको समझ में आ सकता है कि इसे हमें बोलते समय हमें उस स्वर को ज़्यादा जोर से बोलना पड़ रहा है, लंबा बोलना पड़ रहा है। इसीलिए हमने इसका नाम ही रखा है बड़े उ की मात्रा, बड़ा उ, छोटा उ, बड़ा उ। इसी इनके लिखने के बोलने के वैशिष्ट के अनुसार ही इनका नाम भी रखा गया है। सूरज बाजार जा, इस वाक्य में अगर हम सो स में लगे गए ओ की मात्रा का विचार करेंगे तो इस प्रकार से हम इसका वाचन करेंगे। सूरज, देखिए हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, सूरज। तो आप यह जान सकते हैं कि स का, सु का उच्चार यहाँ पर करते समय हम उस अक्षर पर ज़्यादा जोर देकर बात कर रहे हैं। सूरज बाजार जा। मूली, इस मूली शब्द में भी मू अक्षर पर हम जोर देकर बोल रहे हैं। तरबूज खरबूजा आलू ला। मूली तरबूज खरबूजा आलू, यह सब सब्जियां फल आप परिचित हो, आप इन्हें जानते हो। मूली तरबूज खरबूजा आलू, प्रत्येकी इन शब्दों में देखिए मू, बू, बू और आलू शब्द में लू। अगर ये आप ध्यान देकर देखेंगे तो इन अक्षरों को ये लगाई गई ऊ की मात्रा है, यानी बड़े ऊ की मात्रा दिखाई गई है। झूला झूल, झूला में झू, झूल में झू, इन छ अक्षर में भी दोनों तरफ बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। नाखून मत चबा, नाखून, नाखून शब्द में ख व्यंजन को भी बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी गई है। दूध पीकर खजूर खा, दूध पीकर खजूर खा, इस दूध शब्द में भी बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है और खजूर शब्द में भी ज में बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। इस प्रकार यह हमें पठन हेतु दिया गया परिच्छेद, जिसमें अनेक शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि उन शब्दों में से किसी ना किसी व्यंजन में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी गई है। चलिए और जानकारी इकट्ठा करते हैं, अभ्यास करते हैं, समझ लेते हैं कुछ बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे
तो चित्र के अनुसार आप इनके शब्दों को, नामों को, इनको बोलने वाले नामों को आप फौरन बता सकते हो। कुछ भी आपको वक्त नहीं लग सकता। पहला शब्द है आलू। पहला शब्द है आलू। ये शब्द है आलू। अगर इस शब्द का आप निरीक्षण करेंगे तो हमें अब यह समझ में आएगा, आलू शब्द में ल व्यंजन को बड़े ओ की मात्रा दिखाई गई है। ल व्यंजन को बड़े ओ की मात्रा लगाई गई है। दूसरा शब्द है भालू। भालू शब्द में भी ल व्यंजन को बड़े ओ की मात्रा लगाई गई है। तीसरा चित्र है जूता। जूता शब्द में ज व्यंजन को बड़े ओ की मात्रा लगाई गई है, यानी जोड़ी गई है। जूता, जूता। ज व्यंजन में दीर्घ ओ की मात्रा यानी बड़े ओ की मात्रा, जूता। अगला चित्र है झूला। देखिए एक बाग का नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है और वहाँ पे दो झूले दिखाई दे रहे हैं। झूला, झूला शब्द में भी ज अक्षर में, ज व्यंजन में बड़े ओ की मात्रा दी गई है। अगला चित्र है दूध, जो कि आप सभी का बहुत फेवरेट है। दूध, द व्यंजन में बड़े ओ की मात्रा लगाई गई है। अगला चित्र है रुमाल। रुमाल शब्द में भी र अक्षर में बड़े ओ की मात्रा लगाई गई है। यहाँ पर हम अधिक रूप से यह स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम इतर यानी अलग अलग व्यंजनों को ओ की मात्रा जब जोड़ते हैं सिवाय र के, सिवाय र के, तो हम कैसे जोड़ते हैं? अक्षर के नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क व्यंजन निकाला और हमें इस क व्यंजन में अगर बड़े ओ की मात्रा जोड़नी है यानी दीर्घ उकार उसे देना है तो हम क्या करते हैं? बराबर, हम इस व्यंजन के नीचे यह मात्रा जोड़ते हैं। हम इस व्यंजन के नीचे यह मात्रा जोड़ते हैं। जबकि जब हम रुमाल, रुमाल शब्द देखेंगे, रुमाल शब्द का आप निरीक्षण करेंगे तो यह समझ में आता है कि जब हम र में उ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? देखिए ध्यान से, तब हम ऐसे नहीं जोड़ते, तब हम ऐसे नहीं जोड़ते। बड़े ओ की मात्रा र अक्षर में, र व्यंजन में हम कैसे जोड़ते हैं? र लिखते हैं, र व्यंजन का हम लेखन करते हैं और उसके बाद उस व्यंजन के आगे हम मात्रा जोड़ते हैं। ये सही पद्धति है र व्यंजन में उ की मात्रा लगाने की। अगर आप र व्यंजन में र के नीचे ओ की मात्रा, चाहे वो छोटे ओ की हो या बड़े ओ की हो, तो गलत कहा जाता है, गलत कहलाता है। यह पद्धति सही है र में ओ की मात्रा जोड़ने की, यह पद्धति सही है। चलिए आगे और कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। रुमाल के बाद आने वाला शब्द है चाकू। इस शब्द में भी आप निरीक्षण करेंगे तो च, च में आ की मात्रा जोड़ी गई है और क व्यंजन को यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा दी गई है, बड़े ओ की मात्रा दी गई है और शब्द तैयार किया गया है चाकू। अगला शब्द है फूल। फूल देखिए रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं और फूल शब्द में भी फ व्यंजन में बड़े ओ की मात्रा जोड़ी गई है, बड़े ओ की मात्रा जोड़ी गई है। इस प्रकार हम ऊ की मात्रा
दूसरा उकार दीर्घ उ उकार चिन्ह जोड़कर शब्द बना सकते हैं, लिख सकते हैं और उन शब्दों का पठन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो दिया गया है शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए, शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। या क्या करना है, सजाया हुआ शब्द हमें अलग कर कर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया शब्द है पालतू, पालतू शब्द दिया है और हमें उसके वर्ण यहाँ पर अलग अलग करने हैं। वर्ण अलग करने हैं, उन शब्दों में से अक्षर मीन्स व्यंजन और उस व्यंजन को जोड़ी गई मात्रा यानी स्वर स्वर चिन्ह हमें अलग करने हैं। अब आप सोचते होंगे कि यह हम क्यों करते हैं, तो सुनिए ध्यान से। इस पद्धति का या इस मेथड का करने के पीछे क्या हेतु है। अगर हम शब्दों से उनके वर्ण अलग करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कौन सा व्यंजन और उस व्यंजन को कौन सा स्वर चिन्ह जोड़ने के बाद क्या अक्षर तैयार होता है और उन अक्षरों का लेखन कैसे करते हैं तथा उन अक्षरों का वाचन कैसे करते हैं, यह हमें ज्ञात हो जाता है। और एक बार हम यह सीख जाते हैं तो हमें पढ़ने और लिखने की कौशल्यता अपने आप आ जाती है और हमारी समझ और भी दृढ़ हो जाती है। तो चलिए शब्दों से वर्णों को अलग करते हैं। शब्द दिया गया है पालतू, नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा शब्द दिया गया है पालतू। पालतू शब्द के वर्णों को हम ऐसे अलग कर सकते हैं, प प्लस आ, यहाँ पर प व्यंजन में आ की मात्रा जोड़ी गई है, इसके लिए हमने प व्यंजन का वर्ण अलग करके लिखा प प्लस आ। प व्यंजन में हमने नीचे हलंत चिन्ह दिया है। हम बार बार आपको यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं मिलाया जाता तब तक वह व्यंजन अधूरा होता है। तो चलिए प प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस त प्लस कौन सी मात्रा जोड़ी गई है, राइट, बड़े ओ की मात्रा। और इस प्रकार पालतू शब्द के हम वर्ण अलग कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, प प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस त प्लस उ, यह हम वर्ण अलग करके स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए हमारा अभ्यास और गहरा करते हैं, दृढ़ करते हैं और आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है क शब्द अमरूद, क शब्द अमरूद, क शब्द अमरूद। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमरूद शब्द के वर्णों को हमने कैसे अलग किया है, अ प्लस म, अ प्लस म प्लस अ, ऐसे क्यों लिखा गया है, ताकि अ खुद ही अपने आप में स्वयंपूर्ण स्वर है, इसके लिए हमने अ का लेखन किया है। उसके बाद म, म के नीचे हलंत चिन्ह प्लस अ प्लस र प्लस उ बड़ा उ, रू, रू का उच्चारण, रू का वर्ण अलग करने के लिए हमने लिखा र प्लस बड़े उ की मात्रा प्लस द प्लस अ। इस प्रकार हमने अमरूद शब्द के वर्णों को अलग किया, कैसे किया, अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस उ प्लस द प्लस अ। नेक्स्ट वर्ड नाखून, अवर नेल्स, नाखून, नाखून शब्द का हम वर्ण अलग करेंगे,
इस प्रकार न प्लस आ, न व्यंजन को नीचे हलन चिन्ह प्लस आ, क्योंकि व्यंजन अक्षर दिया गया है ना। नेक्स्ट अक्षर खू, इसके लिए ख प्लस उ और न प्लस अ, वर्ण अलग हो गए नाखून शब्द के, वर्ण अलग हो गए नाखून शब्द के। इस प्रकार हम वर्णों को अलग कर सकते हैं, और शब्द से हम जब वर्ण को अलग करेंगे तब हम गहराई से जान सकेंगे कि कौन सा लेखन, कौन से शब्द का, कौन से अक्षर का लेखन सब करते समय हमें उसमें क्या जोड़ना है, कौन सा स्वर जोड़ना है, कौन सा स्वर चिन्ह देना है। और अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो अगला शब्द है मशहूर, अगला शब्द है मशहूर। इससे पहले हमने जैसे शब्दों को वर्णों से शब्दों के वर्णों को अलग किया, इसी प्रकार हम मशहूर शब्द के वर्णों को भी अलग कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मशहूर शब्द है मशहूर, हमने वर्ण को अलग कैसे किया है, म प्लस अ प्लस श प्लस अ, म श। अभी हमें वर्ण अलग करना है हू, तो हम कैसे करेंगे, ह प्लस उ, बड़े ओ की मात्रा प्लस र प्लस अ, हो गए वर्ण अलग हमारे मशहूर शब्द के। अगला शब्द है मजदूर, अगला शब्द है मजदूर, कैसे वर्ण अलग कर सकते हैं देखिए, म प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस द प्लस उ प्लस र प्लस अ। मजदूर शब्द के वर्णों को हमने कैसे अलग किया, म प्लस अ, ताकि व्यंजन है म, उसके बाद व्यंजन आया है ज, तो ज में हम जो हमने जोड़ा अ स्वर हो गया ज, उसके बाद दू, दू का वर्ण अलग हमने ऐसे किया द प्लस बड़े ओ की मात्रा दू, लास्ट र प्लस अ। इस प्रकार हम कौन से भी दिए गए शब्द के वर्णों को अलग कर सकते हैं, और उन्हें कैसे लिखना है, कैसे सजाना है, सहजना है, यह जान सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा का उच्चारण, उच्चारण करते समय उसका लेखन और वर्ण अलग करने के बाद वह कैसे लिखना है। और आगे चलते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अधिक जानकारी के लिए और ऊ संकल्पना अधिक स्पष्ट करने के लिए और एक स्वाध्याय देखते हैं। अभी तक हमने देखा, इससे पहले हमने देखा कि शब्दों के वर्णों को अलग किया, अब इस प्रकार में हम क्या करेंगे, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाएंगे, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, इससे पहले हमने दिए गए शब्द को अलग किया, उनके अक्षरों को, व्यंजन स्वर उनको अलग किया, अभी इसमें दिए गए अलग वर्णों को हम एक में संजो कर, सहज कर उनका सार्थक शब्द बनाएंगे, सार्थक यानी मीनिंगफुल, ताकि हमें उस शब्द के लेखन के बाद उसमें से कुछ ना कुछ अर्थ प्राप्त हो, कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिले। तो यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है श अधिक अ अधिक ह अधिक अ अधिक त अधिक उ अधिक त अधिक अ। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं श प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस त प्लस अ, हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और हमारा शब्द तैयार हुआ है शहतूत। दिए गए वर्णों से हमने
जोड़कर उनको संयोजन करके हमने शब्द बनाया शहतूत। हमें और भी यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड है क, क में हमें अलग वर्ण दिए गए हैं, क में दिए गए वर्ण है ख प्लस अ, उच्चारण क्या होगा ख, ज प्लस बड़े उ की मात्रा, हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे जू, और उसके बाद र प्लस अ यानी र। अब देखिए ख प्लस अ ख, ज प्लस उ जू, और र प्लस अ र, हमें क्या शब्द मिल सकता है राइट खजूर। हमें यहाँ पर सार्थक शब्द क्या मिला, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ऐसा वर्ड्स हमने क्या ढूंढा खजूर। चलिए अगले शब्द की ओर पढ़ते हैं, ख शब्द ख, क प्लस अ प्लस च प्लस आ प्लस ल प्लस उ। हम एक बार फिर से आपको उनके वर्णों को पढ़कर बताते हैं, क प्लस अ प्लस च प्लस आ प्लस ल प्लस उ। पहले हो गया खजूर, अब इस शब्द को जोड़ेंगे उन दिए गए वर्णों के साथ मिलाकर हम इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। वर्ड देखिए क्या होता है, क प्लस अ यानी क, च प्लस आ यानी चा, और ल प्लस बड़े ओ की मात्रा यानी उ, क चा लू। अभी तक आपको खजूर तो मालूम ही होगा, कचालू के बारे में मालूम है आपको, कचालू मीन्स जैसे कि एक मूली के बराबर, कंद मूली जैसे होते हैं उनके, उनको उबाल कर खाया जाता है वैसा एक फल कचालू। जैसे हम कैरेट रेडिश हमें जैसे मिलते हैं, वैसे ही ये कचालू भी जमीन के नीचे होता है। ओके कचालू, क्या वर्ड मिला हमें मीनिंगफुल कचालू। चलिए अगले वर्ड की तरफ जाते हैं, ग च प्लस अ प्लस ब प्लस उ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस आ। च प्लस अ यानी च, ब प्लस उ यानी बू, त प्लस अ ट, और र प्लस आ रा, च बू त रा चबूतरा। कौन सा वर्ड हमें मिल रहा है यहाँ पर, चबूतरा। चलिए अगले शब्द की ओर मुड़ते हैं, फ प्लस उ फू, उच्चारण क्या है फू। हम एक बार यहाँ पर फिर से स्पष्ट करने जा रहे हैं, जबकि हम ये जो व्यंजन लिखते हैं ये व्यंजन अधूरे हैं, इस कारण उनके नीचे हलंत चिन्ह दिया गया है। कौन सा चिन्ह दिया गया है, हलंत चिन्ह दिया गया है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बना रहे हैं। चलिए फ प्लस उ यानी फू, ल प्लस अ ल, द प्लस आ दा, और न प्लस अ न। हमें मीनिंगफुल वर्ड यानी सार्थक शब्द यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, फूलदान। देखिए हमने यहाँ पर क्रमशः खजूर कचालू चबूतरा फूलदान, खजूर कचालू चबूतरा फूलदान, ऐसे मीनिंगफुल वर्ड बनाए, क्या करके वर्णों का संयोजन करके। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ पर और भी कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, और उनमें अक्षरों में उ की मात्रा दी गई है, जैसे कि कबूतर, जैसे कि कबूतर, तराजू,
दूसरा चित्र देखेंगे, तराजू, कबूतर, तराजू, सूरज, कौन सा है चित्र, सूरज। उसके बाद तरबूज, पहला चित्र है कबूतर, तराजू, सूरज, तरबूज। चित्र से आप पहचान जाएंगे, यह है झाड़ू, झाड़ू। उसके बाद चूहा, चूहा। नेक्स्ट पिक्चर है चूड़िया, कौन सा पिक्चर है, चूड़िया। नेक्स्ट मूली, नेक्स्ट खरबूजा, नेक्स्ट पूरी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सभी चित्र, उनके शब्द, उनका चित्रों का अगर हम लेखन करते हैं तो इस शब्दों में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अक्षर में कौन सी मात्रा दी गई है, कौन सी मात्रा दी गई है, ऊ की मात्रा दी गई है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ इस प्रकार हम ऊ का लेखन, ऊ का पठन देखकर यहाँ पर ऊ यानी बड़ा ऊ।